तो 77 में आई फिल्म परवरिश की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इसमें दिखाई गई दो भाइयों की कहानी ने सभी लोगों का भरपूर मनोरंजन किया था, जिसमें दोनों भाई एक दूसरे की भूमिका निभाते नजर आते हैं। बता दें कि इस फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह की पावरफुल जोड़ी देखने को मिली, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था और शायद यही वजह है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से ताबड़तोड़ कमाई की थी। वैसे फिल्म को रिलीज हुए करीब 44 साल बीत चुके हैं और इन बीते सालों में फिल्म में नजर आने वाले कलाकार भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको फिल्म में नजर आए कलाकारों के आज के बारे में बताएंगे, जहां आप सभी जानेंगे कि वो इन दिनों कहां हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कादर खान। इन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी, जहां अभिनेता को आखिरी बार साल 2016 की फिल्म अमन के फरिश्ते में देखा गया। हालांकि इन्होंने 31 दिसंबर 2018 को अपनी 81 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कह दिया था। नंबर 2, शबाना आजमी। अभिनेत्री ने फिल्म में अपने शंभू के किरदार को काफी शानदार तरीके से निभाया। इन्होंने आज 70 साल की उम्र पार की है। बता दें कि इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा हुआ है, जहां इन्हें साल 2022 में टीवी शो हेलो में देखा गया। नंबर 3, नीतू सिंह। अभिनेत्री ने फिल्म में नीतू के जबरदस्त किरदार को निभाया, जिससे इन्होंने सभी के मन को मोह लिया। नीतू सिंह इन बीते सालों में काफी